नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको कुर्ती के बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी दूंगा और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कुर्ती के बिज़नेस के और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सब कुछ कवर करूंगा। मैं ये कवर करूंगा कि आप अगर रोड साइड कुर्ती लगाना चाहते हो तो कैसे लगाएं। मैं ये कवर करूंगा कि अगर आप होलसेलर बनना चाहते हो कुर्ती के अपने क्षेत्र के, तो वो कैसे बने। मैं ये कवर करूंगा कि आप अगर आप कमीशन एजेंट बनना चाहते हो तो वो कैसे बने। मैं ये कवर करूंगा कि आप अगर एक कारखाना खोलना चाहते हो तो वो कैसे खोलें। मैं ये भी कवर करूंगा कि आप अगर कारखाने में जॉब वर्क कराना चाहते हो तो वो कैसे कराएं। ये सारी बातें, आप अगर एक रिटेलर बनना चाहते हो तो वो कैसे बने, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। और जो कुछ एक्स्ट्रा होगा, मुझे याद आएगा बीच में, मैं वो भी उसमें रखूंगा। और एक चीज़ मैं बताऊं कि मैंने एक छोटा सा तरीका सोचा है आपसे वीडियो कॉल करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, और होता ये है कि वो, जैसे मान लीजिए कोई मशीन लगा के दोना पत्तल का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है मान लीजिए, तो अगर वो मुझसे सलाह ले लेगा ना 5 मिनट, तो शायद वो कुछ ऐसा करे, शायद उसके लाखों रुपए बच जाएं। हो सकता है ऐसे कई सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो सिर्फ ट्रैप के लिए बनाए जाते हैं, सो जिसमें सिर्फ ट्रैप होता है ताकि आप फंस जाओ, बस उन्हें एक बार के लिए आपको यूज़ करना है। तो ये इस टाइप के बिज़नेस अगर आप करने की सोच रहे हो, या कोई भी बिज़नेस करने की सोच रहे हो, अगर एक बार आप सलाह ले लोगे, मेरी दिल से इच्छा है, मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि कैसे मैं करूँ, कैसे मैं करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग जब परिणाम आ जाता है तब परेशान होकर मुझसे बात, मतलब मैसेज कर, मेरे इतने रुपए ख़राब हो गए, मेरे इतने रुपए चले गए। तो क्या होता है कि अगर ये शुरू में मुझसे छोटा सा अगर मैं समझ जाऊं, तो शायद देश के बहुत सारे लोगों के पैसे बर्बाद होने से बच जाएं। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो कॉल के लिए कुछ सोचा है, तो वो लास्ट में मैं बताऊँगा या कहीं भी बीच में बता दूंगा, तो ये वाली बात भी होगी। अब स्टार्ट करते हैं कुर्ती के बिज़नेस की। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ कि जो मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि मार्केट कहाँ कौन सी अच्छी है, तो वही दिल्ली की गांधीनगर मार्केट कुर्ती के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। बाकी आपके क्षेत्र की जो मार्केट है वो अलग है, लोग लाते यहाँ से हैं या सूरत से, ऐसी दो जगह हैं जहाँ से माल आता है। सबसे पहले तो मैं अवेयर कर दूँ कि कभी ऑनलाइन, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्लीज़ मत खरीदें। एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको समझा दूँ कि जब भी आप कोई कुर्ती की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग, वीडियोस में भी मैंने सुना है, और बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं या भ्रम है कि सर ऐसा है कि 5,000 की तो मिनिमम लेनी पड़ेगी, और कई सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, सर मुझे कितने हज़ार की मिनिमम लेनी पड़ेगी ताकि मैं होलसेल में काम कर सकूँ। तो ये जो हज़ार वाला चक्कर है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हो कि इतने हज़ार की आपको लेने पड़ेगी, इतने हज़ार की, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में कोई हज़ार, इतने हज़ार का माल लोगे तभी होलसेलर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ होता ये है कि सिर्फ आपको उसके पूरे पैटर्न लेने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कुर्ती पसंद आई, आप गए, आपको कुर्ती उसने दिखाई होलसेलर ने, आपको कोई कुर्ती पसंद आई, तो वो एक नहीं देगा, उसके पैटर्न की जितने कलर होंगे, 7 होंगे 6 होंगे 9 होंगे 10 होंगे, सारे कलर आपको लेने पड़ेंगे। साथ में अगर उसके साइजेस होंगे तो वो साइज़ लेने पड़ेंगे। तो ये बात जो भ्रम है पहले वो निकाल दो, क्योंकि मैं बार बार ये सारी बातें बोलता चल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे दिमाग में आ रहा वो क्लियर करता चलो। तो ये वाला भ्रम पहले हटा दो, जब आप होलसेलर से माल ले रहे हो कि आपको इतने हज़ार का नहीं, इतने हज़ार का नहीं, और जो ऐसा दे रहा है कि एक कुर्ती आपको दे रहा है, छांट छांट के कुर्तियाँ दे रहा है, आपको पसंद करा रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो तो सिर्फ आप रिटेलर में ही खरीद रहे हो, ये समझ लीजिए, समझ रहे ना। अब बात आती है कि कैसे करना है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको होलसेलर बनना है, बहुत ध्यान से समझ लो, अगर आपको होलसेलर बनना है तो वहाँ आपको 3 महीने तो कम से कम बिताने ही चाहिए, किसी भी मार्केट में बिता लो, मैं गांधीनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मार्केट में, लेकिन गांधीनगर में बिताओगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपको बीटेक करना है तो किसी भी कॉलेज से कर लो, बीटेक तो बीटेक होता है, लेकिन अगर आप आईआईटी से करोगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे ही है कि आप कहीं से भी, आप किसी भी दुकान से कर लो, रह लो, तो बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप गांधीनगर की दुकान में किसी में काम कर लोगे तो आप समझ लीजिए रेडीमेड के मास्टर हो जाओगे, आपको वो सारी चालाकियाँ पता चल जाएंगी, सब कुछ पता चल जाएंगी।
तो ये बात आप ध्यान रखो कि अगर आपको होलसेलर बनना है तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने वहाँ देने चाहिए, एकदम साधारण बन के रहना चाहिए। जितने भी लोग बड़े हुए हैं, कितने गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, राजा थे लेकिन गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे, क्या पढ़ी थी उनको, अपने राजमहल में रहते बस आराम करते, तो राजकुमार थे, आगे चल के राजा बन जाना था। लेकिन वो अपना वहाँ जाते थे, लकड़ियाँ चुनते थे, फिर भी गुरु के साथ शरण में जाके पढ़ाई करते थे। पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों जाते थे। यही चीज़ है, आप भी अपने शहर में एकदम से दुकान खोल सकते हो, आपके पास इतनी पूंजी होगी, तुरंत जाके माल खरीद सकते हो और माल चालू कर सकते हो। लेकिन मैं क्यों कहता हूँ कि आपको सर्विस करनी चाहिए 2-3 महीने की, क्योंकि उसमें वो बारीकियाँ आपको पता चलेंगी जो कोई नहीं दे सकता है, जो आपको अपने से सीखनी होंगी, कोई नहीं सिखा सकता है। और वो एक लर्निंग इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आपको पैसे भी कमाएगा। भाई आप 5-6 हज़ार रुपये तो कमाओगे ना जब जिसके यहाँ जॉब करोगे, और आपको सीखने को भी मिलेगा। इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता। अगर आप होलसेलर बनना चाहते हो, कुर्ती के होलसेलर बनना चाहते हो, सबसे बेस्ट है, पूरे भारत में बेच सकते हो ना अगर जो आप इस तरीके से करोगे। अब आते हैं हम बात कारखाने की। अगर आप कारखाना लगाना चाहते हो तो 2 तरीके हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जॉब वर्क। जॉब वर्क पता है क्या होता है, वो भी आपको वहीं दिल्ली के आसपास मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कारखाने जो जॉब वर्क करते हैं, यही जो मैंने गांधीनगर बताया उसमें भी मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है, कारखाने में जो कारीगर होते हैं वो अपना कारीगरी का काम कर रहे होते हैं, आपको सिर्फ कपड़ा देना होता है और वो पैक करके आपको वापस देते हैं। उसकी मेहनताना जो 50 रुपये 40 रुपये, एज पर कुर्ती अलग अलग तरीके से होता है, 30 40 50, जितने भी क्या भी रेट, जो डिज़ाइन आपने पसंद की कैटलॉग के अनुसार, उस डिज़ाइन का एक रेट होता है कि भाई इस तरीके की कुर्ती बनवानी है। ठीक है, आपने कपड़ा दे दिया, उन्होंने सब कुछ करके पैक करके आपको वापस कर दिया, वैसी डिज़ाइनर साइज़ आपने बता दिया कि भाई दोनों ये साइज़ रहेगा, उन्होंने वो साइज़ दे दिया। उसका कुछ 30 40 50 अलग अलग जिस जिस तरीके के पैटर्न होंगे उस तरीके की कुर्ती आपको बना के वापस कर दी जाएगी। ये तरीका है किसी भी कारखाने में आपको जॉब वर्कर, इसको जॉब वर्क कहते हैं, बहुत ध्यान से समझो, ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी बिजनेस को करने का। क्यों तरीका है, ना तो इसमें कारीगर की खटखट सुननी है कि भाई साहब अब मैं कल बीमार है, मैं जा रहा हूँ बाहर, या मैं आज नहीं आऊँगा, छुट्टी है, त्यौहार है, ये सब कुछ नहीं सुनना आपको। तो आपने कारखाने का जो ऑनर है उसको दिया कपड़ा और आपने कहा भाई मुझे 100 पीस 200 पीस 500 पीस 1000 पीस चाहिए, उसने आपको 1000 पीस बना के दे दिया, आप आराम से बेचते रहो। फिर जब आपके ख़त्म हो जाए तो फिर आप जाओ उसके पास, आपने फिर कपड़ा दिया जो आपकी मनमर्जी है, और जो आपके कैटलॉग में आपने कुर्ती पसंद की वो आपने कुर्ती दे दी, बात ख़त्म। इसमें सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि ये होलसेलर से कम रेट पे आपका बन जाएगा और आप होलसेलर को इस तरीके से बना के माल बेच सकते हो। मोस्टली होलसेलर भी अपनी यही तरीका अडॉप्ट करते हैं, जो बड़े होलसेलर हैं, और वो ऐसे ही जॉब रेट पे काम कराते हैं, कपड़ा देते हैं और अपना माल बनवाते हैं। मोस्टली होलसेलर यही करते हैं, यही करते हैं। तो आप भी जब ये करोगे तो आप आसानी से होलसेलर में अपना काम करा पाओगे। ये है जॉब के हिसाब से काम करना। इसमें बहुत ज़्यादा लिबर्टी होती है, इसमें आप आसानी से बहुत आगे जा सकते हो और बहुत कुछ पा सकते हो। एक और तरीका जो मैं बता रहा हूँ कारखाने का, तो कारखाना लगा के बेचना ये एक टफ तरीका है ये, क्योंकि आपको कारखाने के भी कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको कारीगर को समझना होता है, आपको जो मिस्त्री भागे ना इस बात का समझना होता है, मशीन ख़राब होती है उसको समझना होता है, मशीन नई लानी है, कई सारे झंझट, डोरा धागा, कई सारी चीज़ें लानी होती हैं और वो सारा देखते हुए आपको बिजनेस करना होता है। 2 तरीके से कारखाने चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कुर्ती के, एक तरीका तो ये कि आपने खुद कारखाना खोला और सिर्फ किसी दूसरे जो होलसेलर है उनसे कहा कि आप कपड़े दे दीजिए, मैं आपका बना के दे देता हूँ, इतना रेट जो आम रेट चल रहा होता है वो आपने उनसे रेट ले लिया। दूसरा तरीका कारखाने का ये है कि आपने कहा कि ठीक है मैं खुद कपड़ा लाऊंगा, मैं खुद कुर्तियाँ बनाऊंगा और खुद जाके फिर आप स्वतंत्र हो किसी भी होलसेलर को माल बेचने में। उसमें क्या है, उसमें 2-3 तरीके हैं। जब आप खुद माल बेचोगे तो आपके पैसे भी फंसेंगे, पैसे जाएंगे वहाँ पे, और फिर आप अच्छे होलसेलर से अगर आपकी बात हो गई तो आप ये कह सकते हो कि सर कुछ एडवांस दे दीजिए, तो आपको एडवांस दे सकता है अगर आपके रेट सही हैं तो। नहीं तो वो जो पहले वाला जो है जिसमें आप किसी होलसेलर से बात करो कि मेरे पास कारखाना है सर, मैं ये चीज़ें बनाता हूँ, आप मुझे दे दीजिए, आप कपड़ा दे दीजिए, बाकी मैं जॉब रेट पे आपका बना के दे दूँगा, तो आपने उसको जॉब रेट पे बना दे दिया और उसने आपको आपका मेहनताना यानी आपके कारखाने का पर पीस के हिसाब से चार्ज दे दिया। इसमें सरलता ये है कि आपको समय से पैसे मिल जाते हैं।
तो ये दूसरा तरीका हो गया कारखाने खोलने का भी, यही मैंने बताया। कारखाने खोलने में एक चीज़ रहती है, जो आप कारीगर बिठाते हो या जो कारीगर लाते हो, वो कुछ एडवांस मांगते हैं। फिर हो सकता है कारखाना कारीगर कारीगर का अपना अपना स्वभाव होता है, कोई भाग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, कुछ लोग ईमानदारी से बहुत काम करते, कई तरीके की चीज़ें होती हैं। तो एक कारखाने में ये चीज़ें होती। अब रही बात कि अगर आप रोड साइड बैठ के अपना काम करना चाहते हो या फेरी लगा के अपना काम करना चाहते हो, तो ये भी अच्छा तरीका है। आपने दिल्ली गए, गांधीनगर मार्केट से माल खरीदा, माल खरीदने के बाद एक साथ आए, आपने अपने ठेले पे या अपनी स्कूटी पे या अपनी कार पे कहीं भी माल रखा और आपने रोड साइड लगा लिया, या जाके किसी शहर को में या किसी गलियों में अपना माल बेचना स्टार्ट किया, जिसमें आपने एक माइक रख लिया और अपने मोबाइल पे ये कुर्ती या जैसा भी आपको एडवर्टाइजमेंट करना है वैसा एडवर्टाइजमेंट किया कम रेट पे, क्योंकि आप दिल्ली से माल ला रहे हो तो कम रेट पे आपकी कुर्तियाँ होंगी, लोग पसंद करेंगे और आपका माल बिक जाएगा। जैसे मैक्सी हो गई, नाइटी हो गई, ये भी आसानी से रोड साइड बिक जाते हैं। तो ये तरीका भी एक कारगर तरीका है और इसमें अच्छी खासी मुनाफा होता है। एक तरीका ये भी है कि महिलाएं जो हैं वो भी घर से काम करना चाहती हैं। मोस्टली बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही हैं कि वो महिलाओं से कहते हैं कि आप फ़ोन पे मतलब वीडियो पे आप कॉल करके पसंद कर लीजिए, हम आपके घर भिजवा देंगे। मैं चाहता हूँ ऐसी महिलाओं से कहना कि वो इस टाइप से ना खरीद के आप अपने क्षेत्र की, मैं बहुत ध्यान से आप समझिए, अपने क्षेत्र की होलसेल मंडी जाइए, वहाँ से माल ले आइए और अपने घर में सेल कीजिए। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वही 50-100 किलोमीटर के अंदर में जो अच्छी मंडी हो, जो होलसेलर हों कुर्ती के, उनके पास जाके अपने वहाँ से ख़रीद के ले आइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अगर कोई सही चीज़ नहीं मिली या कोई गलत माल आ गया, कटा माल आ गया, फटा माल आ गया, तो कम से कम आप 2-3 लोगों के साथ जाके उसे बदल तो सकती हो, उसे आगे तो बढ़ा सकती हो। ऐसा तो नहीं कि फिर ज़बरदस्ती आपको लेना पड़ेगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो इस तरीके से भी अगर आप अपने क्षेत्र में सिर्फ लेके काम स्टार्ट करो, जब काम अच्छा चलने लगे तब आप दिल्ली जा सकती हो, तब आप और भी कहीं जाके अपना माल ले सकती हो और अपने माल को बेच सकती हो। जब एक बार दिल्ली या किसी ऐसी जगह जाके आपका कोई होलसेलर ठीक से समझ में आ जाए कि आदमी सही है, तब आप वीडियो कॉल से भी मंगवा सकती हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अब एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट आती है कुर्ती के काम करने में, और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये बहुत है कि GST लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि GST एक बहुत ही सरल चीज़ है, इसको ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं सोचना चाहिए, ये ज़रूर लेना चाहिए। और किसी टैक्स जो डील करते हैं ऐसे वकील से मिल के आप GST आसानी से ले सकते हो। वैसे तो इसकी कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है, 500-600 रुपये में हो जाता है, लेकिन जो सलाहकार हैं उनकी कुछ फ़ीस लगा के आप 1000-1.5 हज़ार में आपको ये 100% मिल जाएगा। और जो एनुअल रिटर्न की बात है या मंथली रिटर्न की बात है, ये जिस वकील से लोगे वही आपका एनुअल रिटर्न या वकील दाखिल करता रहेगा, तो इसके कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, GST से फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदा ये है, कोई भी होलसेलर आपको जब माल देता है तो उसमें GST इंक्लूड करके ही देता है, ये 100% बात मान लो। तो आपका भी माल एक नंबर पे बिके, आप आसानी से बेच सको, उसको आसानी से सेल कर सको, तो ये GST नंबर आप ले लोगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए कोई कानूनी प्रॉब्लम ना हो, इससे आपको फ़ायदा ही देगा। अगर आप दुकान खोल के बिजनेस करना चाहते हो तो एक बात ये मान लीजिए कि आपको दिल्ली से माल लाना चाहिए, क्योंकि रिटेलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं होता उसके मार्केट। जैसे आपने मार्केट किया, मतलब आपने दुकान खोली, तो आपके दुकान में एक दिन का समय होगा, कोई एक दिन वीकली ऑफ होता है, मोस्टली मार्केटों में यही होता है, उसी दिन आपको सामान लाना होता है। तो पहले तो आप एक जब दुकान स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रूर दिल्ली जाओ, वहाँ से माल समझो, पसंद करो, समझ के बाद जानो, जानकारी ले लो, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वहाँ रुको, समझ के उसके बाद जब आप पूरा समझ जाओ तो वहाँ से माल खरीद लो, ठीक है। एक चीज़ मैं हमेशा दुकानदारों के लिए कहता हूँ कि वो अगर 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ 30,000 का माल लाएं, बाकी पूंजी अपने पास रखें। नेक्स्ट शॉपिंग में ये ज़रूर पर रख लें कि कौन सा माल ज़्यादा तेज़ बिक रहा है, कौन सा माल स्लो बिक रहा है, कौन सा माल एकदम नहीं बिक रहा है। इसको हम अपनी जो टेक्निकल भाषा है उसमें कहते हैं कि स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एंड हाई मूविंग, यानी कि फास्ट मूविंग। तो जो फास्ट मूविंग है वो अगले वाली में ज़रूर लाना है, और फिर जो और उससे भी फास्ट मूविंग है उसको तीसरी बार में लाना है। तो आपके दुकान में फास्ट मूविंग माल ज़्यादा होना चाहिए, यानी ज़्यादा सेल वाला माल ज़्यादा
तादाद में होगा तो आपकी दुकान अपने आप चलने लगेगी। तो ये मैं हमेशा हर बार कहता हूँ, तो ये ज़रूर याद रखो कि जितना भी पैसा लगाना है उसका 1/3 लगाओ और ऐसे बिजनेस करो तो आपका बिजनेस सफल होगा। मैंने लगभग लगभग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। एक बात और मैं कह दूं कि इसमें मैंने एक लिंक दिया है, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, कि मुझसे वीडियो पे कॉल कर सकते हो, दो लोग सिर्फ बात कर सकते हैं इस संडे को, ठीक है। मैंने ट्रायल के रूप में रखा है, वो दो लोग वही हों प्लीज़ जो दुकान खोलने जा रहे हों, खोलने की सोच रहे हों या कुछ मशीन लगाने की सोच रहे हों, ताकि मैं उनको सलाह दे सकूं, उनको उचित सलाह दी जा सके कि भाई साहब ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 10-5 मिनट की ये कॉल होगी और इसका एक छोटा सा फीस है, फीस कहें तो एक दान है। हाँ, इसमें क्या है कि जब आप वीडियो कॉल के थ्रू मुझसे बात करेंगे तो बात प्रॉपर होगी और 1-to-1 बात होगी, यानी आपसे मेरी सीधी बात होगी। जो आपके डाउट होंगे वो उस पर मैं सलाह दूंगा, हो सकता है आपके डाउट क्लियर हो सकता है ना क्लियर, लेकिन मैं आपको अपनी एक उचित सलाह दूंगा जो आपको सही समझ में आनी चाहिए, सही चीज़ होगी आपके लिए। इसके लिए मैंने एक छोटी सी फीस कह दें या वो दान स्वरूप ही है, क्योंकि वो एक समाज सेवी संस्था है जो चैरिटी जिसको बोलते हैं, चैरिटी ट्रस्ट है, जिसका लिंक है। जो भी आपकी वो फीस होगी वो उसको जाएगी। सिर्फ संडे को दो लोग ही स्लॉट बुक कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दे दिया है, दो लोगों के लिए ही है सिर्फ। तो आप उस लिंक में जाएंगे और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, 12 से 12:15 और 12:30 से 12:45, ऐसा करके दो स्लॉट हैं सिर्फ, और आप वो दो स्लॉट बुक कर सकते हैं एक एक व्यक्ति, ठीक है। और उनसे मेरी डायरेक्ट फ़ोन से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उससे बात होगी और वो अपने विचार या जो भी उनको कहना हो वो बात कर सकते हैं, बात कह सकते हैं। अगर ये चीज़ सफल रही तो फिर मैं आगे से और सोचूंगा कैसे क्या करना है। बस यही कहना था, आप लिंक पे जाके उससे क्लिक करके मुझसे बात आसानी से कर पाएंगे। बाकी रही कुर्ती की बात, तो आपको बहुत ध्यान से अपने बिजनेस को, जैसा आपको बिजनेस करना है वो मुझे कमेंट करिए कि इस टाइप का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं और उस पर डिटेल करूँगा। अगर बहुत सारे लोग एक ही तरीके के कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस चीज़ पर बिजनेस करना है, कुर्ती का मतलब होलसेलर या जॉब वर्क या कारखाना खोलना है ऐसा करके, तो मैं उस पर और डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि उस पर आपकी और मदद हो सके। बस मैं यही कहता हूं कि एक चीज़ याद रखिए कि कभी वीडियो कॉल के चक्कर से बचने की कोशिश करिए। अगर आपको वो होलसेलर अच्छा लगता है तो वहां जाके ले लीजिए, ताकि आपके पैसे बचें, ताकि आपको फ्रॉड होने से आप बच सको। बस इतना ही कहना था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको एक अच्छी बात लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।